अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई और मज़ेदार रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन नूडल्स कबाब, जिसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम शुरू करते हैं चिकन नूडल्स कबाब बनाने के लिए। जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो है 2 पैकेट नूडल्स, 2 से 3 अंडे, बॉयल हुई हुई चिकन जिसे मैंने श्रेड कर लिया है, 1 कप आलू जो मैंने बॉयल कर लिए थे, उन्होंने मैंने श्रेड भी कर लिए हैं। जिस पानी में मैंने चिकन और आलू बॉयल किए हैं उसी पानी में मैं नूडल्स भी बॉयल कर लूँगी। नूडल्स के पैकेट में जो स्पाइसेस का पैकेट होता है वो भी इसमें डाल लें। अब इसको मिक्स कर लें। नूडल्स ऑलमोस्ट इसी पानी में बॉईल हो जाएंगे। जब नूडल्स बॉईल हो जाएं तो इसी पानी को खुशक कर लेना है। नूडल्स बॉईल हो गए हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैंने इसमें अंडे डालने हैं और ताकि अंडे पक ना जाएं। नूडल्स ठंडी हो गई हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पिसी हुई हरी मिर्चें, 1/4 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून होशक धनिया, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ पुदीना, आप इसकी जगह फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 2 अंडे डाल के इसे मिक्स करूँगी, अगर इसमें और ज़रूरत हुई तो 3रा अंडा मैं तब डालूँगी। मैं डालूँगी आलू और चिकन जिसको मैंने उबाल लिया था, और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसका मिक्सचर थोड़ा सा सख्त है तो इसलिए मैं इसमें 3रा अंडा भी डाल रही हूँ। ये देखें, ये मिक्सचर इस तरह से ढीला ढीला बनेगा। इसको मैं तवे पे बना रही हूँ इसलिए मैं तवे पे डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। इसको आपने चम्मच से इस तरह से लेके तवे में डालना है। इस तरह से आप इसको प्रेस करके इसकी शेप दे लें। इसको अब मैं इसके साइड चेंज करूंगी। इनमें जितना अंडा होगा उतने जुड़े हुए कबाब बनेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त कबाब बने हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप इन्हें घर में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो आसानी से मिल सके। और कमेंट में बताएँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।